बाला बच्चन पहुंचे इंदौर, उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर चर्चा की। वहीं दिग्विजय सिंह के गोरक्षकों पर रासुका की कार्रवाई पर टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि हम देख लेते हैं, 10 साल तक सीएम रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लेकिन गौमाता से संबंधित कानून को अगर किसी ने हाथ में लिया तो रासुका की कार्रवाई कर दी, हो सकता है उनके ऊपर और भी केस हों। प्रदेश और देश के कानून को जो भी हाथ में लेता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दमोह में बलात्कार की घटना पर बोले कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम लोग कानून में कसावट करने का काम कर रहे हैं, जल्द ही हम इनको जेल के सिकंजे में पहुंचाएंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द कड़े कानून लेकर आएंगे जिससे अपराधों का ग्राफ कम हो सके। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 50 दिनों में अपराधियों को एक खौफ पैदा कर दिया है। सर, दिग्विजय सिंह जी का एक कमेंट आया है, खंडवा में जो NSA की कार्रवाई की गई है गौ हत्या के मामले में, उनका कहना है कि गौ संरक्षण और गौ हत्या के मामले में अलग से कानून है, उस पर रासुका के बजाय जो है उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ये राष्ट्रीय संकट नहीं। हम देख लेते हैं, माननीय जो दिग्विजय सिंह जी के बयान की जो बात कर रहे हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन ये गौ माता से संबंधित कानून को हाथ में लेने का किसी ने अगर काम किया है और उनके ऊपर अगर रासुका लगी है तो हो सकता है कि और भी केस उनके ऊपर दूसरे भी हो सकते हैं, जो मतलब देश प्रदेश और देश की कानून को हाथ में लेने का काम किया होगा। ये अभी जो गौ माता से संबंधित जो मामला था, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं, इस कारण से वो हो सकता है, मैं इसको पता कर लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, कानून में और कसावट करने की जो जरूरत है हम उसमें कानून में कसावट करेंगे, और ये घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये घटना हुई है तो बहुत जल्द हम इन सबको जेल के शिकंजों में पहुंचाएंगे और इनके खिलाफ हम सब कार्रवाई करेंगे। मेरी जानकारी में आया है, एकाध ज्ञापन इससे संबंधित मुझे मिला है, मैं इसकी जांच करा रहा हूं, और जो भी अगर इलीगल है और एक भर्ती की प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया गया है तो हम उस पर विचार करेंगे, क्योंकि मैं इस विभाग का मंत्री भी हूँ और अनियमितता इसमें अगर की गई है तो हम इस पर विचार करेंगे और इस पर जो निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी वो हम लेंगे। जो अपराध जिन्होंने जो किए हैं उन अपराधों का पर्दाफाश भी हुआ है, और उसके बाद अपराधियों पर एक खौफ और एक डर और एक भय बनाने का जो कानून को जो करना चाहिए, हम लोगों को जो हमारी होम मिनिस्ट्री को जो करना चाहिए, पुलिस प्रशासन का जो होना चाहिए वो हम बराबर काम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम इसको सब बहुत जल्द ठीक कर देंगे। इंदौर में कुछ बड़ी बिल्डिंग बनी है, अवैध बिल्डिंग, उन पर कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ सीनियर IPS प्रदेश के सीनियर IPS और IAS अधिकारी दबाव बनाने की कार्रवाई। देखिए, ऐसी कोई व्यक्ति विशेष कोई अधिकारी जो है, भले IAS हो IPS हो, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि द्वेष्टापूर्ण कोई अगर कोई कार्रवाई करते हैं। उसके बाद इंदौर का मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ, मैंने 11 तारीख को जिला योजना मंडल की बैठक रखी है, कलेक्टर साहब के थ्रू जो मेरे पास जो बात आएगी मैं उसको देख लेता हूँ, लेकिन किसी का भी हम अहित नहीं होने देंगे।